अभिभाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर ये बड़ी बात बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच देने वाले अराजक तत्वों पर सख्त आपत्ति जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि लोग क्यों खुद को काबू में नहीं रखते। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उन्हें भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग इकट्ठा होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं। जिन क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण समाप्त हो जाएंगे। जस्टिस ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक व्यक्ति की ओर से एक विशेष समुदाय के खिलाफ केरल में दिए गए अपमानजनक भाषण की ओर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं को चुनिंदा रूप से इंगित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के खिलाफ टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्या हो सकती है उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री पर कार्यवाही, देखिए यह रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के खिलाफ टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने इन दोनों के खिलाफ कार्यवाही के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एसोसिएशन के मुताबिक दोनों नेताओं के कॉलेजियम के खिलाफ टिप्पणी कर संविधान और न्यायपालिका का अपमान किया है, क्योंकि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। कॉलेजियम एक संवैधानिक प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक संस्था है। जगदीप धनखड़ और किरण रिजिजू अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान का अपमान किया है। साफ है कि धनखड़ और रिजिजू ने सार्वजनिक तौर पर कॉलेजियम की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्मचारी संघ का पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कोई समाधान के आसार नजर नहीं आ रहे। ऊपर से फडणवीस के कारण अब पेंशन समिति का ड्रामा सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त सचिव टीवी से एनपीए के सुधार के लिए कहा। सोमनाथ की अध्यक्षता में समिति के गठन की घोषणा की गई। हालांकि समिति पेंशन के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए सिफारिश नहीं कर सकी, इसलिए कर्मचारी संघों में खलबली मच गई। उनके अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि यह समिति का खेल है। भाजपा नेता का यही भी मानना है कि इस मामले का आगामी विधानसभा चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सूत्रों का दावा है कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, जो एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त मंत्री है, ने यह संकेत मिलने के बाद प्रस्तुति दी कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरोध के कारण भाजपा हार जाएगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस समिति के सुझावों को मानेगी या नहीं। इसको लेकर राष्ट्रीय कर्मचारी संघों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ब्याज दरें बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की छवि पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। ईपीएफओ के ब्याज पर सरकार ने कर्मचारियों को कैसे बनाया उल्लू, जानते हैं यह रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ब्याज दरें बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की छवि पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका मानना है कि सरकार ने उन्हें उल्लू बना दिया है। केंद्रीय बोर्ड ने प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ पर ब्याज दर में सिर्फ 0.05% की बढ़ोतरी की है। रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में वृद्धि के कारण होम लोन सहित लोन रे ब्याज दरों में 3% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर 8.15% सरकारी कर्मचारियों के साथ क्रूर मजाक जैसा है। पहले ईपीएफ का ब्याज बैंक फिक्स डिपॉजिट से 2% ज्यादा था, लेकिन अब दोनों बराबर हो गए हैं। मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए पीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.10% कर दी है, जो पिछले 10 साल में सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत काम पाने वाले मजदूर को अपना मेहनताना हासिल करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या मुश्किलें आ रही है मजदूरों को, आइए देखते हैं।
मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को रोजी रोटी बचाने के लिए मजदूरों को महंगा स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने फोन भी खरीदा लेकिन उसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। वजह यह है कि उन्हें नेटवर्क की तलाश में 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ भी कई बार पूरा नेटवर्क नहीं मिल पाता। नतीजा, मजदूरों के फोटो साइट पर अपलोड नहीं हो पाते, इस वजह से उनकी दिहाड़ी मारी जाती है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नरेगा संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे 100 दिवसीय धरने में शामिल मजदूरों ने यह बात कही है। राजस्थान से आए नरेगा मजदूरों का कहना था, केंद्र सरकार को इस योजना में धरातल की स्थिति के अनुसार सुधार किए जाने चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र में कई तरह की कमियां हैं। राजस्थान के अजमेर जिले की एक नरेगा कार्यकर्ता ने बताया कि वह नरेगा में मैट के रूप में काम करती है। मजदूरों के मुताबिक खराब नेटवर्क के कारण वे इस ऐप पर अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं। तस्वीरें अपलोड करने के लिए पर्याप्त नेटवर्क की तलाश में उन्हें हर रोज पहाड़ियों पर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके बावजूद ठीक से तस्वीरें अपलोड नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि वह और उनके जैसे कई अन्य मजदूर उपस्थिति दर्ज न होने के कारण अपने काम की पूरी मजदूरी पाने में असमर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्या आपको मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? इस सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा देने के मामले पर कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस मामले में सवाल किए जाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है, हम इस मामले पर जल्द ही आपको जवाब देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के पिछले साल के चुनावी प्रदर्शन ने निर्वाचन आयोग द्वारा उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए राजनीतिक संगठन को 4 राज्य में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और संबंधित विधानसभाओं में उसके कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए किसी राजनीतिक दल को 2 सीट जीतनी होती है और राज्य में न्यूनतम 6% मत हासिल करने होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अन्य मापदंड भी है। आपको राज्य की पार्टी के रूप में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त है। गौरतलब है कि आपने पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 92 सीट पर कब्जा कर पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज हासिल की थी। उसे पंजाब में पहले से ही राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त था। पार्टी ने गोवा में 2 सीट जीती और 6.77% मत हासिल किए। उससे आपने गोवा में भी राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को इस समय पंख लग गए। जब उसने 2022 के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीती और कुल 13% मत हासिल किए, जो आपको राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शासित प्रदेश दीव और दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से जम्मू कश्मीर में पीएमओ का अधिकारी बनकर Z+ सुरक्षा हासिल करने वाले महाठग किरण पटेल के करीबी संबंधी को लेकर भाजपा में चर्चा है। अब ये मामले में किसके पर बिजली गिरेगी, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाठग प्रफुल्ल पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के काफी करीब है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि बीजेपी को किरण पटेल को लेकर बयान देना चाहिए और अपने नेताओं से अपने संबंध स्पष्ट करने चाहिए। किरण पटेल द्वारा किए गए फर्जीवाड़े में प्रफुल्ल पटेल की कोई भूमिका होने का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा में चल रही चर्चा के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में पीआरओ के पद पर कार्यरत हितेश पंड्या के माध्यम से संबंध घनिष्ठ हो गए। पटेल के बेटे सिद्धार्थ बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख है, जबकि पांड्या के बेटे अमित भी आईटी सेल में है। चर्चा है कि इसी करीबी रिश्ते के चलते अमित पांड्या को यहां नियुक्ति मिली है। किरण पटेल ने प्रफुल्ल पटेल के क्षेत्र बायड़ में किसानों को ठगा। तथ्य यही है कि इस संबंध में एक मामला दायर किया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सांकेतिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्या आपका भी पैसा सहारे में फंसा था? तो यह खबर आपके लिए। हमारे देश में लाखों ऐसे निवेशक हैं जिनकी जमा पूंजी सहारा में फंसी थी। यही सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या किया, आइए जानते हैं। सहारा ग्रुप के निवेशकों को अब जल्द ही अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बता दें कि सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं, जिससे कि 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा। दरअसल केंद्र ने एक जनहित याचिका में यह आवेदन दिया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर की थी।
और इसमें विभिन्न चीट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि में भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है, जिसमें न्यायमूर्ति ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में कब होंगे 224 विधानसभा सीटों पर मतदान और कब आएंगे नतीजे? कौन बनेगा कर्नाटक का किंग? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। समग्र देश की नजर जिस पर टिकी है वह कर्नाटक राज्य में चुनाव तारीख का ऐलान हुआ। कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को मतदान होंगे। राज्य के 224 विधानसभा सीटों के नतीजे 23 मई को आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 5,21,73,579 वोटर है। कर्नाटक में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 100 से ज्यादा उम्र के 16,000 से ज्यादा मतदाता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जदोजहद में जुटी है, तो कांग्रेस मिशन साउथ के तहत कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए हाथ पैर मार रही है। कर्नाटक के चुनाव पर सिर्फ राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। समग्र देश की नजर कर्नाटक के चुनाव पर टिकी हुई है। अब कर्नाटक में चुनाव तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। 10 मई को चुनाव होंगे तो 13 मई को नतीजे आएंगे। अब क्या होगी कर्नाटक का जंग जीतने के लिए भाजपा की रणनीति? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे, नतीजे 13 मई को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी। कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता है जो 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। बात करें भाजपा की तो भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया है। पिछले दौरे में बीएस येदियुरप्पा और मोदी की मुलाकात चर्चा का विषय रही है। मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यहीं उन्होंने येदियुरप्पा का झुककर अभिवादन किया था। येदी संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके 79 साल के येदियुरप्पा कैंपेन कमेटी के हेड बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा अपने बेटों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सभा चुनाव से पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने राज्य में पिछड़े मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया। इसके पीछे कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय की क्या रणनीति होगी, आइए देखते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने राज्य में पिछड़े मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया। आइए देखते हैं कि इन कदमों के पीछे किस तरह का चुनावी गणित काम कर रहा है। बीजेपी का लिंगायत समुदाय में मजबूत वोट बैंक है, वह वोक्कालिंगा समुदाय को भी लुभाने की कोशिश कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में वोक्कालिंगा समुदाय की जहां पर अधिक संख्या है वहां भी बीजेपी ने सीटें निकाली थी। बीजेपी ने मुसलमान कोटा खत्म करके वोक्कालिंगा समुदाय का आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% करने की पहल की है। वहीं लिंगायत समुदाय का कोटा 5% से बढ़ाकर 7% किया गया है। इसके साथ ही बड़ा दांव खेलते हुए बोम्मई सरकार ने इस 4% कोटे को राज्य के 2 प्रमुख समुदाय वोक्कालिंगा और लिंगायत के मौजूदा आरक्षण में जोड़ने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जो है वो करते हैं, यह बात मंगलवार को एक बार फिर साबित हो गई। सीएम योगी ने हाल ही में सदन के अंदर माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया था और मंगलवार को कुख्यात माफिया अतिक अहमद को 17 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाते ही उनका प्रण फिर से सिद्ध हो गया। अब सोशल मीडिया में हैशटैग योगी ट्रेंड करने लगा, ट्रेंड चल रहा है, आइए देखते हैं। माफिया अतिक अहमद को कोर्ट में सजा सुनाई जाने के बाद ही लोग ट्विटर पर सीएम योगी के प्रयासों और प्रतिबद्धता की तारीफ करने लगे हैं। इसकी वजह से हैशटैग योगी है
तो यकीन है 4 घंटों तक ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक में नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। इसके बाद भी देर रात तक यह हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में शुमार रहा। 20.2 हजार से अधिक लोगों ने इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स किए, जबकि 35.7 हजार लोग इससे किसी न किसी तरह से एंगेज रहे। यही नहीं, यह हैशटैग 10 करोड़ से ज्यादा 101.7 मिलियन लोगों तक पहुंचा। देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। इस हैशटैग के माध्यम से लोगों ने बेहद दिलचस्प ट्वीट किए। एक आदमी ने ट्विटर हैंडल से लिखा कि महाराज जी, गुंडों के लिए काल है, अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई, यह बाबा का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना बीजेपी गठबंधन के अन्य नेताओं ने वीडी सावरकर के समर्थन में गौरव यात्रा से पहले मंगलवार को उनकी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिस्प्ले पिक्चर्स पर लगाया। क्या अब गहरा बनेगा सावरकर का विवाद? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना बीजेपी गठबंधन के अन्य नेताओं ने वीडी सावरकर के समर्थन में गौरव यात्रा से पहले उनकी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर लगाया। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने घोषणा की है कि देश में सावरकर को योगदान का सम्मान करने तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा उनकी आलोचना के जवाब में 30 मार्च से महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी। सोशल मीडिया पर सावरकर की तस्वीर लगाने के साथ नेताओं ने लिखा, मैं सावरकर हूं या हम सभी सावरकर हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अपनी बातचीत में सावरकर मुद्दे को उठाया था और एमवीए सहयोगियों के बीच इस मामले पर सहमति है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। केंद्र को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोकसभा को आज इस बारे में सूचित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सिफारिश और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद लिया जाता है। लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन ऐसे मामलों में निर्णय विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य प्रासंगिक कारणों की सिफारिश पर विचार करने के बाद लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और रैप नेता राघव चड्ढा के डेटिंग की खबरें इन दिन इंटरनेट पर छाई हुई है। हालांकि दोनों ने अब तक इन खबरों पर अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन अब परिणीति और राघव के रिश्ते पर आप सांसद संजीव अरोड़ा ने मुंह खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ डिनर पर गए, जिससे अफवाहों को हवा मिली कि परिणीति चोपड़ा और राघव में प्यार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीर शेयर कर दोनों को विश किया। इससे दोनों के शादी करने के कयास तेज हो गए है। संजीव अरोड़ा ने ट्वीट किया है, मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को दिल से बधाई देता हूँ, दोनों एक हो जाए, दोनों को ढेर सारा प्यार और खुशी मिले, मेरी ओर से शुभकामनाएं। अरोड़ा को चड्ढा का करीबी माना जाता है, इसलिए लोग उनके ट्वीट को गंभीरता से ले रहे हैं। इस ट्वीट को इस बात की आधिकारिक पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है कि राघव और परिणीति शादी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए एयर इंडिया समूह ने सिंगल इंटीग्रेटेड रिजर्वेशन सिस्टम और वेबसाइट की घोषणा कर दी है। हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर के लिए खुशखबरी सामने आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस ने इंटीग्रेटेड रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की है। इससे पैसेंजर दोनों एयरलाइनों के लिए अब एक ही एकीकृत वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। ये दोनों ही एयरलाइन मर्ज होने वाली है। आने वाले महीनों में एयरलाइंस दूसरे इंटरनल सिस्टम का कंसोलिडेशन करना जारी रखेगी। एयर इंडिया समूह ने मंगलवार को कहा है कि कम लागत वाली एयरलाइंस एकल एकीकृत
आरक्षण प्रणाली और वेबसाइट पर चली गई और आम सोशल मीडिया और ग्राहक सहायता चैनलों को अपनाया। यह माइग्रेशन जिसमें मुख्य रूप से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर एशिया इंडिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम में माइग्रेट करना शामिल है, एयरलाइन और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता और दक्षता लाभ प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।